नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर जगतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पवित्र 553वां प्रकाशोत्सव समारोह जबलपुर नगर के सिख समाज द्वारा सामूहिक तौर पर 7 एवं 8 नवम्बर को जबलपुर के गोरीसन मैदान पेंटिना का सदर में भव्य कीर्तन दरबार के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसमें देश के मशहूर रागी जत्थे एवं गुरुवाणी मीमांसक ज्ञानी मनमोहन सिंह निमाणा, पंजाब रागी जत्था भाई जगदीप सिंह राज्यपाल, हजूरी जत्था हरमंदिर साहिब अमृतसर एवं रागी जत्था भाई अवतार सिंह होशियारपुर सहित अनेक विद्वजन यहां शिरकत करेंगे। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए सिख समुदाय के लोगों ने बताया, आज 30 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गुरुद्वारा गोरखपुर से पंजी प्यारों की सरपरस्ती एवं नगर के समस्त गुरुद्वारों को प्रधानों की रहनुमाई के भव्य कीर्तन निकाला जाएगा, जो कि गोरखपुर बाजार शंकराचार्य चौक शास्त्री ब्रिज नगर निगम चौक का भ्रमण करता हुआ गुरुद्वारा मानताल में समाप्त होगा। यहां 29 अक्टूबर को निशान साहिब के चोली की सेवा की गई, 6 नवंबर को अमृत संचार होगा। 1 तारीख से 6 नवंबर तक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से भोरबेला में कीर्तनी प्रभात फेरियां निकाली जाएगी। प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्रृंखलाबद्ध अखंड पाठ गत 2 माह से लगातार चल रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुद्वारा माडोताल में श्री गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ था, इसलिए यह स्थान देश भर में श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया हुआ है। यहाँ देश भर से श्रद्धालु यात्री वर्ष पर दर्शनार्थ हाजिरी भरते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। माडोताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें कि 8 नवंबर को जगत गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की रूपरेखा सारे पत्रकारों को बताई गई। आज गुरुद्वारा माडोताल में निशान साहब की सेवा और 30 अक्टूबर को नगर कीर्तन गुरु नानक दरबार गोरखपुर से, जो कि अपना गोरखपुर मार्केट छोटी लाइन फाटक शास्त्री में होते हुए 3 पत्ती चौक गुरुद्वारा माडोताल में समाप्त होगा। और इसमें 8 नवंबर को सभी मतलब बड़े बड़े रागी आ रहे हैं, जो कि अवतार सिंह होशियारपुर से और मनमोहन सिंह निमाणा जी पंजाब से और भाई जगदीप सिंह जी राजेवाल दरबार साहब अमृतसर से पहुंच रहे हैं। और एक विशाल भंडारा 8 नवंबर को गैरिसन ग्राउंड सदर पेंटी नाका में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि सभी धर्मों धर्मावलियों के व्यक्ति और उसका मतलब कीर्तन वाणी सुनेंगे और गुरु का लंगर सभी लोग छकेंगे एक पंगत में बैठ के। और इस गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में जबलपुर और आसपास की जो भी संगत है बहुत मानती है उनके और भंडारे में लंगर में पहुंचती है। मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा। लगभग कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं जी? लगभग कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं? लगभग 40,000 व्यक्ति लंगर में रहते हैं जो भी चढ़ते हैं। आपका नाम और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सभी गुरुद्वारों के प्रधान और सचिव यहाँ उपस्थित हैं और जिनके सहयोग से 30 अक्टूबर को नगर कीर्तन और ये सब रहनुमाई उसमें पंज प्यारे और सभी प्रधान स्कूल हमारे स्कूल जितने भी पंजाबी स्कूल है उनके बच्चे और स्टाफ रहता है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम प्रताप सिंह बिरधी, अध्यक्ष गुरुद्वारा माडोताल। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।